सभी के लिए प्राइजेस मेरे पास रेडी हैं, चॉकलेट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ आज इस सेकेंड एनुअल डांस शोकेस में, जिसमें की कुछ प्राइजेस कुछ आप सभी के साथ शेयर भी था। सो नेक्स्ट आपके बीच में बारी है, मैं आप कुछ एडिटिंग आपको सुनाने वाला हूँ, आपको इससे रिलेटेड आंसर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गाना सुनाया और अगर मैंने पूछा इस गाने को किसने गाया है तो आपको सिर्फ सिंगर का नाम बताना है। इट्स टू इजी आंसर, आपको आपकी डायरेक्ट आंसर नहीं देना, सिर्फ हाथ उठाना है, जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे हम उनको मौका देंगे। सो सबसे पहले आपके बीच में एक गाना प्ले हो रहा है, आपको ये बताना है इस गाने में एक्टर्स के नेम, इस गाने में हीरो कौन थे, हीरो का नाम बताने, पहले गाना सुनना है देन आपको जल्दी से हीरो के नेम्स बताने। सो प्लीज प्ले ट्रैक नंबर 1 डीजे। ये डीजे वाली लाइट बंद कर दो। और सबसे पहले यहाँ से हाथ उठा दो। सर एक्टर्स नेम, इस गाने में एक्टर्स नेम, ऑडिटोरियम की हमारे ऑडियंस लाइट्स ऑन कर दीजिए। सर मेन एक्टर आमिर खान। हाँ मैंने एक्टर्स बोले थे, आमिर। हाँ एक्टर, एक्टर्स में और भी है इसमें, आमिर एंड जोशी, पूरा नाम बताना है, जोशी तो कसुम जोशी हो जाएंगे। तुषार जोशी आमिर खान, सरदार जोशी, क्या बात है, जोरदार तालियों में मैम के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन मेरे से दो भी नहीं दोगे सारे, नहीं मैम फाइनली आपके लिए, अभी भी यकीन सच में ये आपके लिए, कांग्रेचुलेशन। ओके नाउ नेक्स्ट आपको मैं गाना सुनाने वाला हूं। बोल दो भैया, मैं उनसे पूछूंगा जो वाकई में बदन पे सितारे लपेट कर आए हैं। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, सितारे तो नहीं लेकिन फ्लावर है जी। शमी कपूर, बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा सिंगर माता जी, गाना किसने गाया है? किशोर दा, किशोर कुमार। ओके एंड राइट आंसर इज किशोर दा, गलत है। Okay, and the right answer is Mohammad Rafi ji. Please do that. Taaliyan bajaye man ke liye. Great man. Ye chocolate aapke liye. Acha yahan se answer aaya. Ye lo beta, aap khao. Mamma ne bolti thi, choti si bachchi ek saal ki khaye bhi nahi, gareeb bachchi ki zarurat hai, khaye bhi nahi. Piche se bachchi. Okay, now next ye hamare youngster liye, jitne youngster hai yahan par, ek aur gana play ho raha hai. Aapko ye batana hai ki is gaane mein actor plus actress ke liye, yani hero aur plus hero ke bhi naam batane hain. Please play track number 3. मैंने कहा था कि हम बजट पे डिपेंड हैं, हम इस तरह से फालतू प्राइस नहीं बांट सकते, पेमेंट से कर सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगली आवाज एक पॉलिटिशियन की, आपको ये बताना है ये किस राजनीतिक व्यक्ति की आवाज है। अब डायरेक्ट आंसर देना, हाथ नहीं उठाने वाला, फिर से प्राइस कैंसिल हो सकता है। डायरेक्ट आंसर देना, जिनको भी समझ में आ जाए जल्दी से आंसर देना है। नेक्स्ट आवाज एक पॉलिटिशियन की, ये किस राजनीतिक व्यक्ति की आवाज है ये आपको बताना है। प्लीज प्ले ट्रैक नंबर 4। मायावती कौन बोल रहा है? राइट आंसर इज ममता बनर्जी। सबसे पहले यहां से आंसर आप में से किसी का आया था? सबसे पहले यहां बेटा एक मौका मिल चुका ना वहां पर, दोबारा मेरे को सबको कवर करना है। यहां से आया था आंसर, किसने दिया? देखो कॉन्फिडेंस आप करिए, मैंने दे रखा इधर उधर करने का, फिर चल रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट करना होगा। हमने से ये चॉकलेट्स रखी कि आप लोग बाइट शेयर कर सकते हैं। आपको जल्दी बताना है, एक डायलॉग प्ले हो रहा है, आपको बताना है किस मूवी का डायलॉग है। आई होप आप सबने ये मूवी देखी है, जरूर देखी होगी। प्लीज प्ले ट्रैक नंबर 5। स्टूडेंट्स इस तरह बात करते हैं क्या? फादर, इस लड़के का आईक्यू एकदम जीरो है, इसे किसी की बात नहीं है बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बताओ, सबसे आगे किसी पर्टिकुलर फाइल को आप बोले बताए? उठा के दे दो मेरे को। कोई मिल गया, वेरी गुड। ये बच्चा मैं आपने भी देखा। अच्छा नेक्स्ट प्लीज कम आज। ये इस बच्चे को मिस भी प्राइज दे रहे, बच्चा उछल उछल के आंसर दे रहा था। कम बेटा अभी चॉकलेट ना खाना, मेल्ट हो गई। फ्रिज है घर में, फ्रिज में लगाइएगा तब खाइएगा। क्या नाम है आपका? नैतिक। गर्लफ्रेंड है? वहां गए नैतिक। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर था, कोई मिल गया, वेरी गुड, गो। ओके नाउ नेक्स्ट हमारे लास्ट 3 और है, मैं आपकी प्राइस लेके जाने वाला हूं, मेरे को टाइम दिया गया स्पेशली। एंड नेक्स्ट एक और डायलॉग, ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए, जितनी मैम्स है स्पेशली उनके लिए। और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो मान लीजिए बॉलीवुड में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है। सो नेक्स्ट आपको मूवी का नाम बताना है, डायलॉग पहचानना से मूवी का नाम बताना है। प्लीज प्ले ट्रैक नंबर 6। पराए लोगों से क्या शिकायत करो, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुपते। श्रीमंत सबसे पहले बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। ओके, दो आंसर एक साथ आए, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। फर्स्ट सेकंड सबसे पहले आप ही बोलो, यहां से भी आया ठीक है। आपकी आपकी बैग से ओके, अभी मैं उन दो लोगों को प्राइज देना चाहूंगा इसमें, जिसमें जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। आगे से मैम यू प्लीज कंग्रेचुलेशन। और बेटा आप दे जाओ, आप आंसर ना दीजिए ठीक है ना, चॉकलेट भी। ओके कंग्रेचुलेशन। ओके लास्ट 2 क्वेश्चंस, ये आखिरी है, सबसे लास्ट। डीजल बाबू सुनिए सर, डीजल आखिरी वाला प्ले करना, लास्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी क्वेश्चन के लिए 2 चॉकलेट्स है। रुक जाइए सर, रुकिए तो सब पकड़ लेंगे यार, तुम तो मुझे बेड़ा गर्क करो हमारा। अभी 2 और है ओके, लास्ट 2 चॉकलेट्स एंड द लास्ट क्वेश्चन। एक कॉमेडी सीन प्ले हो रहा है, आपको ये बताने किस मूवी का कॉमेडी सीन है। अगर गलत हो गया तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके लास्ट 2 एंड प्राइस, प्लीज प्ले लास्ट। रघु तूने कभी गीता तो नहीं? ना, नहीं बताइए ठीक है, बोलिए तुम साथ क्या लाए? अश्विनी मुन्ना भाई है ना, जिसको मेरा सवाल है। ओके स्टॉप सर, यहां मैं अश्विनी बोलो मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं यार, मजाक कर रहा, गलत है। ओके ऑल द बेस्ट, पीछे से गोलमाल किसने कहा? ओके पीछे से सर,
गोलमाल हाँ गोलमाल अगेन वेरी गुड और कोई आंसर मुन्ना भाई कितने लोग बोल रहे हैं अब आंसर नतीजे गलत है मुन्ना भाई और लगे रहो मुन्ना भाई आप लोग संजय दत्त की आवाज में कंफ्यूज हुए गलत सर बताओ आप बचो आपके राइट आंसर जो है वो है ऑल द बेस्ट और वो आंसर लेफ्ट साइड से आया था बिल्कुल सही ऑल द बेस्ट सर आइए प्लीज ये आखिरी दो प्राइस आपके हुए प्लीज जोरदार तालियां हो जाए ऑल द बेस्ट राइट आंसर अच्छा रघु की तरह आ भी रहा है बिल्कुल स्टाइल रघु सर व्हाट्स योर गुड नेम नितेश नितेश जी बहुत सही आंसर ये दो चॉकलेट आखिरी थी कंग्रेचुलेशन प्लीज जोरदार तालियां हो जाए नितेश के एवरीवन